यौवन अवस्था आने पर भी जीव काम से पीड़ित होता है। बोलिए मां पति महादेव की जय हो। महाराज इधर ब्रह्मा जी भगवान शिव जी की माया से मोहित हुए और भगवान भोले बाबा से ईर्ष्या करने लग गए कि अरे उस शंकर ने आकर मुझे डांट लगाई, वो तो रुद्र मेरा ही पुत्र है और मुझे ही डांट दिया उसने। भगवान भोले बाबा से ईर्ष्या करने लग गए, बोले जैसे तैसे मैं उसका उनका विवाह कराऊंगा ही, मैं देखता हूं फिर वो भी कैसे काम से पीड़ित नहीं होते। भोले बाबा का विवाह कराने के लिए ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं और इस प्रकार माया के चक्र में फंस गए। बोले माया कौन है? माया चंड बेग की चाची। किसकी चाची है? चंड बेग काल की। माया चंड बेग की चाची, ब्रह्मदेव की शाश्वत गृहिणी, मनी राम के भाची। माया चंड बेग की चाची, माया चंड बेग की चाची, ब्रह्मदेव की शाश्वत गृहिणी, मनी राम के भाची। माया चंड बेग की चाची, माया चंड बेग की चाची। ये माया किसको नहीं ना चाहती? अरे महाराज कमर किंकणी पग पैजनिया पहिरे घर घर नाची, कमर किंकणी पग पैजनिया पहिरे घर घर नाची, सुर नर मुनि सब अखियन मोहे चाल तुम्हारी कांची। माया चंड वेग की चाची, ब्रह्मदेव की शाश्वत गृहिणी, मनी राम के भाची। माया चंड वेग की चाची, माया चंड वेग की चाची, ब्रह्मा विष्णु महेश की नानी कीर्ति सब जग माची। इनके सिर में भी नाचने वाली माया है। ब्रह्मा विष्णु महेश की नानी कीर्ति सब जग माची, दुर्गा सची रमा ब्रह्माणी इतने कौन बाची। माया चंड वेग की चाची, माया चंड वेग की चाची, ब्रह्मदेव की शाश्वत गृहिणी, मनी राम के भाची। माया चंड वेग की चाची, माया चंड वेग की चाची। शिवजी की माया से स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए और भोले बाबा से ईर्ष्या करने लगे कि अरे सबके सामने उन्हें मुझे उन्होंने डांटा है, मैं भी उनका विवाह करा दूं तो मेरा नाम ब्रह्मा नहीं। ईर्ष्या करने लगे और उपाय करने लगे कि किस प्रकार भगवान भोले बाबा किसी स्त्री के ऊपर मोहित हो जाए। परंतु भोले बाबा किसी स्त्री पर साधारण है क्या जो मोहित हो जाए? उस समय कामदेव को कहा, हे कामदेव अपने बसंतों को लेकर जाओ, और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजे हैं, भोले बाबा को जा करके जाओ, काम भाव से उसको पीड़ित कर दो। कामदेव ने कहा जब तक कोई स्त्री आसपास ना हो तब तक मैं काम भाव से उनको पीड़ित कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए कोई उनको पति रूप में स्वीकार करे ऐसी कोई स्त्री तो हो। अब मन में सोचने लगे ब्रह्मा जी ऐसी कौन सी स्त्री है जो भोले बाबा के साथ विवाह कर सके? ऐसी आज तक संसार में कोई बनी भी नहीं है जो भोले बाबा को स्वीकार कर सके। तब उस समय बार बार मन में विचार करने लगे, बोले एक काम करो तुम प्रयास करके देखो, कम से कम काम से पीड़ित तो हो जाए। कामदेव गए जिद करने पर बसंतों को लेकर के, न शिव जी के गणों को प्रभाव पड़ा न शिव जी को प्रभाव पड़ा, थक हार लौट करके आए। ब्रह्मा जी से कहते हैं हम कुछ नहीं कर पाए, वो तो आंख बंद करके राम 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 जप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। बोले अच्छा अब क्या किया जाए, चलो सबके सब भगवान श्री हरि के पास चलते हैं। सबके सब देवता ब्रह्मा जी और उनके पुत्र भगवान श्री हरि के पास गए, जिनकी पूजा भगवान देवाधिदेव महादेव के बराबर होती है। जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार से उनका विवाह हो जाए, ऐसा कोई उपाय करिए। भगवान हंसते हुए कहते हैं बताओ आप भोले बाबा के विवाह कराना चाहते हैं? बोले हाँ। अच्छा परंतु उनको स्वीकार कौन करे? बोले प्रकृति और पुरुष। पुरुष कौन? भगवान सांब सदाशिव।
और प्रकृति कौन? भगवती शिवा, भगवती जगदम्बा, महाकाली, दुर्गा, सती,